इस समय की सबसे बड़ी खबर जो रांची से चलकर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में जो लाठी चार्ज हुआ है उसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण घायल हुए हैं। बोकारो जिला से गए हुए दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण भी इस लाठी चार्ज और अश्रु गैस के कारण घायल हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार की बात करें, भारतीय जनता बोकारो जिला विधानसभा के जो विधायक प्रतिनिधि राजेश महतो की बात करें, या चंदन क्यारी के क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। और खुद आप देख रहे हैं कि तस्वीर में चंदन क्यारी के विधायक के ऊपर भी पानी की बौछारें हो रही है, इसके बावजूद वे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर जो रांची से चलकर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो सचिवालय घेराव का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जो रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय जिला प्रशासन है उसकी तरफ से लाठी चार्ज हुई है, पानी के जो बौछारे की गई है और साथ ही साथ जो आंसू गैस छोड़े गए हैं उसमें बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसमें बोकारो और धनबाद जिला के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है नेतागण है वे घायल हुए हैं। चाहे बोकारो जिला के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हो या दूसरे कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और स्थानीय विधायक गण भी उनसे मिलने जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो लाठी चार्ज कराई गई है, जो तस्वीरों में देखिए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण घायल हुए हैं। अब इन कार्यकर्ता और नेतागणों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक गण भी इनसे मिल रहे हैं और इन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इस दौरान सभी का एक स्वर में कहना है कि जो प्रदेश सरकार है उन्होंने लाठी चार्ज करके अपने जो कार्यशैली है उसको बताने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य के हित में कभी खामोश नहीं रहने वाली है और इस लाठी चार्ज या आंसू गैस से डरने नहीं जा रही है। आप सीधे इन तस्वीरों को देखिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं, वही पानी की बौछारें हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है। We'll be right back.